इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज लोगों के फोन नंबर वो आने लगेंगे पर मैं है ही नहीं कंट्री में, ऐसा ऐसा हो जाएगा। चलो ठीक है। एंड संतोष जी, व्हाट अबाउट यू, आप ये जो लीड जनरेशन कैंपेन है सर, इस पे काम कर रहे हैं? मैं भेजता हूँ आपको जो मैंने लिंक बनाया था ना, तो आप यहाँ पे देख। ठीक है सर, श्योर। नमस्ते सर। नमस्ते जी संतोष जी, नमस्ते। नमस्ते। वो एड जो बनाई थी ना, उसके हिसाब से एक सात आठ लोग ज्वाइन हो गए व्हाट्सएप अच्छा ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, मगर अच्छा सात आठ लोग आए हैं। ईमेल ईमेल से कुछ समझ में नहीं आया। ईमेल में कुछ दिखाई नहीं था उसमें। नहीं, ईमेल से आपको रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। ईमेल से रिप्लाई थोड़ा लेट आएगा, पर ईमेल साथ जाना चाहिए। हाँ, ईमेल से आपको लीड जनरेट बहुत कम होता है। ईमेल मुश्किल से 3% के आसपास रिजल्ट होता है आपकी ईमेल्स का। तो आपका जो सोशल मीडिया से लीड जनरेट होगी, ईमेल आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए काम आएगा, ईमेल आपके कम्युनिकेशंस के लिए काम आएगा, कस्टमर रिटेंशन के लिए काम आएगा, न्यूज़लेटर्स सेंड करने के लिए काम आएगा, लोगों तक आपकी इंफॉर्मेशन अवेयरनेस भेजने के काम आएगा। तो ये सारे काम वो आपके बैकएंड में करता रहेगा, बट आपको चाहे जो लीड जनरेट होंगी वो ज़्यादा सोशल मीडिया से ज़्यादा लीड जनरेट होगी। ओके। ये है। लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं था ना, बिकॉज आई थिंक मैं मिस किया था लास्ट क्लास। बट क्लास रिकॉर्डिंग में ये वाला एक तो कल मैंने डाला था रिकॉर्डेड वीडियो, हाँ वो है। नहीं, मगर वो पुराने वाला 16 तारीख जो, का कैसे डाला था सर? कल ही 16 तारीख थी और कल ही रिकॉर्डिंग डाले। नहीं मैंने एक रिकॉर्डेड क्लास था कल का। एक ऐसा, 3 क्लास वीक में हमारे एक रिकॉर्डेड लेसन आएगा और एक ट्यूसडे को, हम रिकॉर्डेड लेसन ट्यूसडे को देना था मुझे, मैंने वो वेडनेसडे सुबह दिया आपको, और एक क्लास आज ये लाइव है और एक संडे को लेते हैं हम। तो हमने टाइम जब शिफ्ट किया था तो उसको ऐसे कर लिया, 3 क्लासेस को। ओके। हाँ, तो कल मैंने जो रिकॉर्डेड लेसन दिया था आज उसे थोड़ा रिव्यू कर लेते और उसके आगे आज चलते हैं। चलेगा। हाँ, दो ही लोग हैं तो हमारा सर, डे। ये ईमेल में जो करने वाला था आप लोगों ने जो किया था लास्ट, जो आई थिंक मेरे ख्याल से वीडियो नहीं था उस पर, मेरे को जस्ट ऊपर ऊपर एक समरी बोलना कि ये बिटली का जो लिंक था, आप लोगों ने वो पोटेंशियल कस्टमर्स का जो ईमेल्स है आपके पास, उनको जस्ट लिंक फॉरवर्ड कर दिया था, राइट? वैसा था। ईमेल में ना हाँ मैं थोड़ा रिव्यू करूं उसको, थोड़ा रिकैप कर लूं। हाँ थोड़ा सा हाँ, अगर सर, संतोष ईमेल में मुझे भी संतोष प्रॉब्लम है। जी संतोष जी ओके होंगे तो यस। चलो कर लेते हैं, दो ही लोग हैं हम लोग तो टाइम भी है, कर सकते हैं। ईमेल में मैं आपको मेरा अकाउंट ओपन है वो दिखाता हूँ। मेलचिम, सेंडफॉक्स, मैं सेंडफॉक्स से करता हूँ, आप मेलचिम से करेंगे क्योंकि मेरे पास पेड अकाउंट है उसका, और दोनों सेम है, सिमिलर है। सर अच्छा, मेलचिम से ये ले लिए ना? हाँ मेलचिम पे मैंने भी ले लिया है। अच्छा, मैं मेलचिम पे चलूं? हाँ। चलिए। हाँ अच्छा होगा, तो वहीं पे प्रैक्टिस भी हो जाएगा, पता भी चल। मेलचिम्प हमें क्या फैसिलिटी देने वाला है? मेलचिम्प या कोई भी ईमेलर सिस्टम, जब भी हम अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के किसी भी बिजनेस में हैं, तो हमें क्या करना है? लोगों को चेज करना है, लोगों को अवेयर करना है। तो ऑब्वियसली बात है, एक सिंगल पेज वेबसाइट हमें ऐसी चाहिए कि हम किसी भी चैनल पर अपना एक छोटा सा एड रन करें जो लोगों को अट्रैक्टिव लगे, इन्फ्लुएंसिंग लगे, बहुत ज़्यादा कंटेंट उसमें ना हो, विजुअल्स ज़्यादा हो और छोटा कंटेंट हो। तो लोगों को अगर अच्छा लगता है तो फिर लोग उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कहाँ है, तो उसके नीचे एक छोटा लिंक रख देते हैं हम, ताकि
ताकि जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसको इंटरेस्ट है, वो उस लिंक को प्रेस करे और उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले ले, अदरवाइज सबको जरूरत नहीं है। तो ऐसा करने के लिए एक हमारे पास है कि हम लैंडिंग पेज क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि वेबसाइट बनाना हर आदमी के बस का नहीं होता, लैंडिंग पेज बनाना बड़ा इजी होता है, एक पेज पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन लगा देनी है। तो उसके लिए यहाँ मेलचिम्प हमें फैसिलिटी देता है कि यहाँ से क्रिएट में ये हमें 7-8 ऑप्शन देता है, बट हमें दो यूज करने, वन इज लैंडिंग पेज एंड सेकेंड ईमेल कैंपेन। तो यहाँ क्या हुआ, जिसके क्रिएट को नहीं कर पा रहा, मैंने ये आपका वाला उस दिन किया था, ये मैं इसी को ओपन करता हूँ। ओ ग्लोबल लॉजिस्टिक्स, हाँ ओ ग्लोबल मेरे खुल रहा है वो ईमेल कैंपेन, एक ईमेल है, एक ईमेल होगा और एक लैंडिंग पेज होगा। हाँ वो 2-3-4-7 चीजें हैं। हाँ करेक्ट, हाँ ईमेल है, कस्टमर जर्नी है, ईमेल टेम्पलेट है। हाँ, ईमेल टेम्पलेट खोलना है या जस्ट ईमेल खोलना है सर? ईमेल खोलना है, पहले लैंडिंग पेज आपने उस दिन समझ लिया था। हाँ लैंडिंग पेज क्लियर है, प्रॉब्लम नहीं है। लैंडिंग पेज जब आपका हो गया रेडी, देन उसके बाद आपको क्या करना है, ये लैंडिंग पेज का पब्लिश करते ही, लैंडिंग पेज फाइनल होगा तो पब्लिश होगा, पब्लिश हाँ, ये आपको एक डोमेन नेम क्रिएट कर देगा, एक लिंक, ये डोमेन नेम होता है यहाँ। अगर मेलचिम्प का हम पेड अकाउंट ले लेते हैं तो वो हमें एक फैसिलिटी देगा कि ये डोमेन नेम भी हम क्या कर सकते हैं, अपने चेंज किया हुआ डोमेन होगा उस पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये इतना दिखाई देने की बजाय आपके अपना डोमेन ही शो करेगा लैंडिंग पेज पे भी, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। जैसे वेबसाइट पे आपका डोमेन शो करता है, वैसे ही लैंडिंग पेज पे भी वो कर सकेगा, बट वो प्रीमियम प्लान में है। ओके तो ये आप बोल रहे हो कि अगर अपना डोमेन होगा या वेबसाइट होगा तो ये उसको यहाँ से रीडायरेक्ट करके वेबसाइट लिंक पे लेके जाएगा वो नहीं उसको। ना 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 ना, मैं कह रहा हूँ अभी जो ये नाम, ये लिंक है ना, इसमें लिंक में http://mailchimp.com/ कुछ नंबर है, फिर उसके बाद आपका दिया हुआ नाम है ये। यस सर, अब इसके साथ हम दो एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसको सॉर्टर करना है तो मैं बिटली पे जाऊँ, बिटली में जाके, हाँ वो तो कर लिया, बिटली पे जाके इसको शॉर्ट कर लेंगे, पर बिटली भी आप जाओगे तो बिटली क्या करेगा, यहां इसको शॉर्ट किया जब मैंने तो बिटली ऐसे बिटली का लिंक बना देगा, शॉर्ट तो किया फिर भी बिटली का लिंक किया। यस हाँ, अभी इसने क्या किया बिटली ने, कि इसने रिडायरेक्ट कर दिया, मतलब मेल चिम पे जाने के लिए पहले बिटली के थ्रू रिडायरेक्ट हो गया। हाँ करेक्ट। अब अगर मुझे ये चाहिए कि बिटली की जगह आप चाहते हो कि आपका ओम ग्लोबल दिखाई देना चाहिए, तो आपका कोई डोमेन ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, तो आप उसको वहां भी रिडायरेक्ट कर सकते। रिडायरेक्ट का मतलब है कि अभी डोमेन नेम लिंक में आप ही का दिखाई देगा, जैसे बिटली है ना वैसा दिखाई देगा, और वही लैंडिंग, दैट इज अगेन पॉसिबिलिटी। तो वो प्रीमियम प्लान के साथ है। कैसे डालते हैं डोमेन, उसके ऊपर कैसे पेस्ट करेंगे सर? फिर वो प्रीमियम प्लान में होगा, वो इसमें फ्री में वो अलाउ नहीं करता, इसमें वहाँ एक प्रोविजन होता है, रिडायरेक्ट का प्रोविजन होगा, उसे ओपन करोगे तो वो वहाँ आप उस जगह ये वाला लिंक की जगह वो वाला आप उसमें डोमेन लिख दोगे तो वो उस डोमेन पे आपको लिंक क्रिएट कर देगा, वो बहुत सिंपल है। तो एक तरीका ये हो गया। अब हमें क्या करना है, लैंडिंग पेज रेडी है, अब लैंडिंग पेज पर अगर कोई आदमी ने विजिट किया, जैसे मैं यहाँ आपका लैंडिंग पेज लिया मैंने और ये आपका एक एड है जो आपने पूरा मान लिया डिजाइन किया हुआ है। यस सर। और ये सिंगल पेज वेबसाइट है। अब इस सिंगल पेज वेबसाइट को आपने अच्छी तरह डिजाइन कर लिया, डिजाइन करने के बाद अभी अच्छा लगता है कि आपके प्रोडक्ट को पूरी तरह डिस्क्राइब करता है ये, ठीक है, मैं अगर ये डेमो समझूं तो, क्योंकि आपने, मैंने ये सिर्फ 3 चीजें रखी थी, बाकी चीजें नहीं रखी, तो
अदरवाइज ये पूरे प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह है, जो भी इंटरेस्टेड आदमी है वो यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकता है। देन अगर आपने उसमें एक कॉल टू एक्शन लगा दिया, एक ग्रीड रख दी, एक कोई मैग्नेट रख दिया जो किसी आदमी को यहाँ ग्रीड पैदा करता हो, ग्रीड पैदा करेगा तो वो क्या करेगा, उस आदमी को वो वैल्यू चाहिए, वॉन्ट टू शिफ्ट योर होम, सो वॉन्ट टू शिफ्ट योर होम, जस्ट ग्रेव 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट रखा, 20% डिस्काउंट रखा, तो जो इंटरेस्टेड आदमी होगा उसने ही तो ये पेज देखा। अब उसे डिस्काउंट का कूपन चाहिए, मान लिया आपने डिस्काउंट कूपन रख दिया इसमें, तो डिस्काउंट कूपन के लिए आपने उसे कहा अच्छा जस्ट फिल द ईमेल आईडी हियर, तो वो आदमी यहाँ ईमेल आईडी फिल कर देगा। अब सिंपल है, यहां से लॉजिक, ईमेल आईडी जैसे ही फिल किया, अब आपका मेल चिंप अकाउंट की ड्यूटी बनती है कि उसके पास वो जो ईमेल आईडी दो सब्सक्राइबर जैसे यहाँ आए, इन दो सब्सक्राइबर्स को वो एक ऑनबोर्डिंग या वेलकम ईमेल ऑटोमेटिक इमीडिएटली निकाल दे। करेक्ट, हाँ। आपने ईमेल कलेक्ट इसलिए किया, वो आपकी लीड बन गई ताकि आप उनके साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सके, शुरू कर सके और उनको कस्टमर में कन्वर्ट करें। तो कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको उनके साथ रेपो बिल्डिंग करनी है, तो रेपो बिल्डिंग ईमेल से अच्छी और कहीं होती नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इमीडिएटली आपका एक ईमेल कैंपेन तैयार कर दें आप, वेलकम मेल, यानी जब भी आपके मेल चिंप अकाउंट में, चाहे तो लैंडिंग पेज के थ्रू या आप अपनी वेबसाइट के थ्रू या मैनुअली, आप किसी भी कॉन्टैक्ट जब भी इम्पोर्ट होता हो किसी भी सोर्स से, तीन सोर्स से मेल चिंप में कॉन्टैक्ट आ सकता है, जब आपका मेल चिंप अकाउंट ऑटोमेटिक सब्सक्राइबर को रिकॉर्ड थ्रू लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज से आपको उसके पास सब्सक्राइबर आ रहा है, लीड आ रही है, या आपका मेल चिंप अकाउंट आपकी जो भी वेबसाइट बनी हुई है, इन दोनों में हैंडशेकिंग होती है टेक्निकली, यानी आप ये मेल चिंप अकाउंट दोनों हैंडशेकिंग कर सकते हैं आपस में, तो आपकी वेबसाइट पे अगर कोई विजिटर आ रहा है और वहां वो अपनी ईमेल आईडी छोड़ रहा है किसी भी सब्सक्राइबर फॉर्म में, तो वहां से मेल चिंप अकाउंट ऑटोमेटिक वो वाला आईडी ले लेता है इमीडिएट, जैसे ही आपकी वेबसाइट पे किसी ने ईमेल फिल किया अपना, और ये वहां से उस ईमेल को डाउनलोड कर लेगा और उसको एक वेलकम ईमेल निकाल देगा। सही है, तो ओके। दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका होता है, आपके पास कोई मैनुअल ईमेल्स है, वो मैनुअल ईमेल्स आपने इसमें इंपोर्ट कर दी, तो आइदर वे द लीड इज बीइंग जनरेटेड एंड द न्यू सब्सक्राइबर इज बीइंग रिकॉर्डेड और इंपोर्टेड, योर मेल चिंप अकाउंट शुड सेंड वन वेलकम ईमेल इमीडिएटली एंड देन लेटर ऑन, सो वॉट एवर कैंपेन यू हैव क्रिएटेड एंड जनरेटेड इन योर अकाउंट, द सिस्टम विल स्टार्ट सेंडिंग दोज कैंपेन्स ऑटोमेटिकली टू दोज पीपल, जो नए लोग आए हैं उनको भी वो कैंपेन जाती रहेगी। तो ऐसे करके ये एक ऑटोमेशन, अवेयरनेस, न्यूज़लेटर, जो कुछ भी है वो आपको सिर्फ एक बार क्रिएट कर देना है, वो ऑटोमेटिक इनको भेजता रहेगा। तो वो होता कैसे है, उसके लिए कैंपेन यहां से क्रिएट कर देते, क्रिएट ईमेल ऐसे करके, मेरा ये नहीं चल रहा है, क्या हुआ इसको, रिफ्रेश करना पड़ेगा। हाँ, मैंने कर दिया रिफ्रेश, देखो सर आता है तो। सरप्राइजिंग, मेरे को आ रहा है, मेरे को दो ऑप्शन आ रहे हैं ईमेल में, एक प्लेन ईमेल आ रहा है और एक ईमेल टेम्पलेट। हाँ, मेरे को भी आ गया सर। हाँ, आ गया आपको भी आ गया। ऐसे ईमेल क्रिएट करना है या मुझे ईमेल टेम्पलेट, टेम्पलेट तो वो मैं ईमेल करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो मैं यहाँ से ईमेल मैंने क्रिएट किया, ईमेल क्रिएट कर यहाँ उसका नाम दिया, हाँ वेलकम ईमेल मान लिया, वेलकम ईमेल पे मैंने इसको, सॉरी मैंने गलती की है, आई हैव टू गो बैक, मैंने उसको ऑटोमेटिक करना था और मैंने उसको मैनुअल किया, तो यहाँ ईमेल क्लिक किया, गोइंग अगेन, अभी मेरे पास तीन ऑप्शन है, रेगुलर, ऑटोमेटिक, प्लेन टेक्स्ट। तो जब मुझे ऑटोमेटिक भेजना है, ऑटोमेटिक मींस द पर्सन इज बीइंग रजिस्टर्ड और
हाँ, देन इट इज सेंडिंग, द सिस्टम इज सेंडिंग ऑटोमेटिक ईमेल। रेगुलर का मतलब है आपने बनाया और फिर उसको बताया किस किस को भेजना है, देन द सिस्टम विल सेंड द मेल्स। तो ऑटोमेटेड जैसे ही किया मैंने, तो यहाँ मेरे पास ऑटोमेटेड में ऑप्शन है ईमेल सब्सक्राइबर्स व्हेन दे आर टैग्ड, इन केस यू आर चेंजिंग द टैग ऑफ समबडी देन इट कैन सेंड द ईमेल। वेलकम न्यू सब्सक्राइबर, इफ समबडी इज बीइंग रजिस्टर्ड इन योर सिस्टम देन इट विल सेंड ऑटोमेटिकली वन ईमेल। इन केस you are collecting their birth date also, then it will send automatically one happy birthday email to the date. Okay. जिस डेट को उनका बर्थडे आ रहा है तो उसको ऑटोमेटिक ये पर्सनलाइज्ड एक बर्थडे भेज देगा। एक आपने अगर उसकी टेम्पलेट में फ्लावर रख दिए हैं, यानी फ्लावर की इमेज रख दी है, तो वो उस टेम्पलेट को उसको उसका नाम फिल करके पर्सनलाइज करके भेज देगा। एंड ब्लॉग अपडेट अगर आपको भेजना है तो वो भी ये कर सकता है। तो ऐसे करके अब जैसे यहाँ आपको वेलकम न्यू सब्सक्राइबर को भेजना है, तो यहाँ एक वेलकम ईमेल आप बना सकते हैं और वो वेलकम ईमेल सिंगल ईमेल है। देखें यहाँ मैंने ऊपर तीन ऑप्शन है मेरे पास, सिंगल ईमेल, ऑनबोर्डिंग एंड सीरीज। तो सिंगल ईमेल का मतलब है कि जब भी कोई आदमी आया उसको एक बार वेलकम कर दिया एंड देन सिस्टम गॉट ऑन साइलेंट मोड। Onboarding series means in case you want to make people aware in a systematic manner, means one person registered email today and he got and he became subscriber of your system, then you send one welcome email. After 3 days you are sending a product awareness mail to that person. And then after 3 days, you are sending one offer email to that person. And then after 1 week, you are sending the third email to that particular person. जो भी नया आदमी आता है उसका एक मैनर है कि उसको 3 दिन बाद ये ईमेल जाएगा, फिर अगले 3 दिन बाद ये जाएगा, फिर अगले हफ्ते ये जाएगा, फिर 15 दिन बाद ये जाएगा। तो जब तक वो आदमी कन्वर्ट ना हो तब तक उस पर ऑफर पे ऑफर, ऑफर पे ऑफर, ग्रीड पे ग्रीड, मैग्नेट पे मैग्नेट उसको भेजा जाए। तो ऐसे कर एंड उसको न्यूज़लेटर तो बाय डिफॉल्ट ही जा रहे हैं। तो ऐसे आप लीड नर्चरिंग के लिए कोई ऑनबोर्डिंग सीरीज बनाते हैं तो उसको भी आप यहां से क्रिएट कर सकते हो, बट ये फैसिलिटी प्रीमियम वाले प्लान में है, इनके फ्री प्लान में सही है। हाँ हाँ। इन केस यू आर क्रिएटिंग एनी एजुकेशनल सीरीज वेयर इन you are sending some lessons to the person, then one lesson today and the next lesson next day and the next lesson next day. So this way, in case you are creating one education series, that can be done through this third option, education series, which is again with the premium plan. So this can be done. Now let's come again to this single email, then create single email. Now in the second option, it is asking you to whom I have to send this email, to whom. To whom means, and I am selecting it because I have only one list, people trainers. And in this list, all the subscribers so far are the member of this list of mine. And the person who is getting in the system, that will also become the part of this this list only. So it is asking you which one list you want to select to send this welcome email. In case you have more than one list, then you can define one of them. हो सकता है आप दो प्रोडक्ट रन करते हो, एक ही अकाउंट हो आपके पास, तो एक कैंपेन आप रन कर रहे हो वेलकम के लिए और एक प्रोडक्ट के लिए आपका वेलकम किसी और तरीके से जाए, दूसरे के लिए किसी और तरीके से जाए। इन केस ऐसी कोई फैसिलिटी है तो आपको वेलकम ईमेल अलग अलग डिजाइन करनी पड़ेंगे। बट अगर एक ही ईमेल है तो आपकी लिस्ट भी यहाँ एक ही होगी। देखो मेरे एक ही लिस्ट ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मेरी एक सेंट्रल लिस्ट है, उसी में नया आदमी आएगा, पुराना भी उसी में होगा। तो ये सर अगर मेरे पास, सर मैं क्वेश्चन पूछूं, अगर मेरे पास तीन प्रोडक्ट है, जैसे यू नो मेरी वाइफ का डिवाइन गैलरी का वेबसाइट है जहाँ पे ये काफी सारा रिलीजियस गिफ्ट्स बेचती है ई-कॉमर्स, एक वो है, सेकंड मेरे लॉजिस्टिक्स कंपनी में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ वो एक लिस्ट, और तीसरा है मेरा ये ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम जो मैं कर रहा हूँ लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशन पे, सो वो एक है लिस्ट। तो ऐसे कैंपेन में भेजने वाला हूँ,
इनके जो रिप्लाईज आएंगे और या जो भी सब्सक्राइबर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली टैग हो जाएंगे क्या ई लिस्ट में? ई लिस्ट में अगर आपने तीन अलग अलग कैंपेन रन कर रहे हो, तीन लैंडिंग पेज अलग जा रहे हैं, या लैंडिंग पेज कितने भी बना रहे हो आप, हर लैंडिंग पेज को आपने टारगेट लिस्ट दे दी है कि उससे जो भी सब्सक्राइबर जनरेट होगा वो एक्स लिस्ट का पार्ट बनेगा और वाई वाले लैंडिंग पेज से जो भी सब्सक्राइबर जनरेट होगा वो वाई वाली लिस्ट का में इनरोल होगा, जेड वाले का होगा। तो उन तीनों लिस्ट में आप अलग अलग कैंपेन, ईमेल कैंपेन भी जनरेट कर सकते हो कि जो एक्स आया उसको एक्स वाली ईमेल जाए, जो बाई आया बाई वाली ईमेल जाए, जेड में आया जेड वाली ईमेल में जाए। तो वो कर सकते हैं ये ईमेल से? वो पॉसिबिलिटी है बट वो प्रीमियम वर्जन में होगी। ओके। वर्जन में सिर्फ एक सिंगल ही ये आपको लिस्टिंग देता है, ठीक है? तो सही है। तो फ्री वर्जन में, क्योंकि मैंने मेलचिम का पेड वर्जन अभी तक यूज नहीं किया है, तो बट वो उसमें होगी क्योंकि वो मेरे सैंडफॉक्स अकाउंट में मल्टी लिस्ट बनाने का मेरे पास ऑप्शन सैंडफॉक्स देता है, तो 100% ये भी देगा मेलचिम भी, ठीक है सर? मेलचिम पे प्लान प्लान देखा जाए ना, एजुकेशन सीरीज में जाके देखो एक दो मिनट जी, और व्यू प्लान जी, अभी इसमें है प्रीमियम 23,000 रुपीज लिखा हुआ है, ये क्या है? एक मिनट ओपन होने दो सर। हाँ तो इसमें क्या है, मैं शुरू से चलता हूँ, जो जीरो में है आपको कुछ भी पे नहीं करना, जिस कुछ भी पे नहीं करना उसमें आपके 2000 कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, यानी 2000 लोगों को आप कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो आप अपने फ्री अकाउंट से। आई थिंक ये पर मंथ है ना? पर मंथ नहीं, 2000 से ज्यादा कॉन्टेक्ट ही नहीं हो सकते आपके, कॉन्टेक्ट तो परमानेंट ही होंगे ना उसमें। ओके। का आ रहा है या जो जिसको भी आप इंपोर्ट कर रहे हो तो वो एक नंबर इंक्रीज हो रहा है और वो नंबर 2000 से क्रॉस नहीं हो सकता फ्री अकाउंट में, और उन 2000 लोगों को या 200 लोगों को जितने भी हो आपके अप टू 2000 उनको आप 10,000 ईमेल्स इन अ मंथ, इससे ज्यादा आप नहीं भेज सकते फ्री अकाउंट में। तो फ्री प्लान में 2000 कॉन्टेक्ट रख सकते हो, 10,000 ईमेल्स पर मंथ भेज सकते हो, ईमेल्स पर अच्छा। कॉन्टेक्ट आपके वो सीलिंग लिमिट है आपकी, 2000 को क्रॉस नहीं कर सकते। अब आपको उसके बाद अगर 2000 को क्रॉस करना है तो फिर आपको क्या करना है, 770 रुपीज पर मंथ वाला प्लान यहां से लेना पड़ेगा, और 770 वाले में आपकी लिमिट जो है बढ़ जाएगी, इसमें 500 से बढ़ जाएगी। हाँ 500 से बढ़ जाएगी। मगर नीचे लिखा हुआ डज नॉट इंक्लूड ऑटोमेटेड ईमेल सीरीज। हाँ, डज नॉट इंक्लूड ऑटोमेटेड ईमेल सीरीज का मतलब है जो हम बीच में ऑटोमेटेड ईमेल वाली थी वो इसमें नहीं होगी, इस 770 वाले में भी वो ऑटोमेशन नहीं देगा आपको, कॉन्टेक्ट्स बढ़ा देगा, ईमेल लिमिट भी बढ़ा देगा, 500 कॉन्टेक्ट्स 5000 ईमेल सेंड्स ये आपको दे देगा ये। उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड प्लान है इसमें आप ऑटोमेटेड ईमेल सीरीज बना सकते हो, और इसमें आपका दे रहा है 500 कॉन्टेक्ट्स 6000 ईमेल सेंड्स ये, और ये 23,000 रुपए में, एक महीने में 23,000 रुपए इसको दोगे तो ये 10,000 कॉन्टेक्ट्स देगा आपको और ऑटोमेटेड ईमेल सीरीज देगा। तो कुल मिला के ये सौदा आपका बड़ा महंगा पड़ने वाला है। यही 10,000 कॉन्टेक्ट्स को और अनलिमिटेड ईमेल मैंने लिया है सैंडफॉक्स से, और उसने मेरे से लिया $49 एंड फॉर लाइफ टाइम। लाइफ टाइम $49। तो आपको ये वाला मेल चिप फ्री में यूज करना है तब तक तो मेल चिप यूज करो, और जब पेड पे जाना है तो अपने जितने भी कॉन्टेक्ट आपके जब तक उसमें इकट्ठे होते हैं 2000 जो भी कॉन्टेक्ट होते हैं उनकी फाइल को वहां से एक्सपोर्ट मारो और सैंडफॉक्स में जाके इम्पोर्ट मार लेना, तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट उधर शिफ्ट हो जाएगा। सैंडफॉक्स भी ऑलमोस्ट सेम है मेलचिम जैसा? मेलचिम काफी इजी लग रहा है मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मेलचिम है सेम है, सिर्फ ये लैंडिंग स्मार्ट पेज कहता है।
अच्छा ये देखो ये मेरे सामने है, लैंडिंग पेज को स्मार्ट फॉर्म कहता है और यहाँ कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, ये डैशबोर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ ये आप देखेंगे ये सारे कॉन्टैक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लिस्ट दिखाई देगी आपको, मैंने ये देखो मल्टी लिस्ट बना रखी है, हाँ हाँ एक ही लिस्ट थी, यहाँ मैंने मल्टी लिस्ट बना रखी है, 100 लोग इसमें, 465 लोग इसमें, 3 लोग इसमें, हर एक कैंपेन के लिए अलग है। ऑटोमेशन के लिए आप ऑटोमेटेड सीरीज यहाँ बना सकते हो, यहाँ तो क्रिएट हाँ लिखा है ना, क्रिएट ऑटोमेशन सीरीज, तो ऑटोमेशन सीरीज में ये क्या करेगा, एक मेल के बाद दूसरी मेल, एक मेल के बाद दूसरी मेल नीचे ये डिजाइन कर देता है। तो इसमें सर ऐसा भी हो सकता है कि अपने वेबिनार है या कुछ वर्कशॉप है तो मुझे 3 दिन पहले, फिर 1 दिन पहले, फिर आधा घंटा पहला, 15 मिनट पहले, ऐसे 4 ईमेल भेजना है भेज सकते एक कस्टमर को। भेज सकते हो। आपने एक ईमेल शेड्यूल की कि आपको मान लिया एक्स लोगों के लिए एक लिस्ट बना दी एक्स, उसमें 100 लोग हैं, आपका वेबिनार शुरू होना है, तो आपके वेबिनार शुरू होना है संडे को, सैटरडे की शाम को आपने उन सबको जूम लिंक और एक रिमाइंडर भेज दिया, ये आपका जूम लिंक है, कल आपका ये वेबिनार है। जब वेबिनार शुरू होने वाला हो एक और ईमेल आपका 1 घंटे पहले हो जाए, वो भी हो सकता है, ट्रिगर्ड ईमेल जाता है वो, ट्रिगर्ड ईमेल भेज सकते हो आप यहाँ से। तो मेलचिम में ऐसा नहीं आएगा क्या, स्टैंडर्ड में आएगा सिर्फ? नहीं, ट्रिगर्ड ईमेल मेलचिम में भी आता है, ट्रिगर्ड ईमेल दोनों में ही है, वो आप उसको कब ट्रिगर दबाते हो यानी कब भेजना है तब आप उसे भेज सकते हो। ओके ठीक है। तो अगर आप कोई कैलेंडर इवेंट करते हो उसमें इसमें चांसेस है जहां पे आप जूम का ईमेल भेजते हो कि जूम में अभी लॉग इन करो 15 मिनट पहले या 1 घंटे पहले या जो भी, ये वैसे भी कर सकते हैं ना? ये देखिए यहाँ पर जब आप ईमेल बनाओगे, ये मैं यहाँ एक ईमेल आपके लिए, सेलेक्ट करोगे आपने जो लिस्ट बनाया है, हाँ कौन से वाले एक मिनट स्लो, ग्रुप को क्या ईमेल भेजना है। हाँ स्लो आ रहा है, एक मिनट मैं हाँ सेलेक्ट कर नो प्रॉब्लम सर। तो यहाँ से ये आप शेड्यूल कर सकते हैं, मेल को शेड्यूल किया, शेड्यूल पे बटन दबाया तो ये शेड्यूल करेगा उसे, सब्जेक्ट लाइन चाहिए इसको, मैंने लिस्ट सेलेक्ट की ये वाली को लिख दिया हाय, यहाँ कुछ भी कम्युनिकेशन लिख दिया, शेड्यूल किया, तो यहाँ मैं उसको शेड्यूल कर सकता हूँ, कौन सी डेट को किस टाइमिंग पे मैं उसको शेड्यूल कर दूँ, ये कैलेंडर इवेंट बना दिया मैंने इसका, तो मैंने उस पर्टिकुलर टाइम पर उसको वो शेड्यूल हो गया। और ये आप ऐसे सीरीज करके सकते हो कि यही लिस्ट को आप पहले ये भेजो, फिर लाइक जो संतोष जी ने पूछा 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 1 घंटे पहले, वो जो भी आ रहा हूँ आपको सीरीज कैसे होती है। इंटरनेट की स्पीड पुअर है, यहाँ से क्या हुआ, सीरीज बनाने के लिए जब मैं ईमेल पे जाऊंगा, यहां से क्रिएट ईमेल, और एक मिनट ईमेल पे जाना है,
ये है क्रिएट ऑटोमेशन सीरीज। ऑटोमेशन सीरीज में अगर आपने एक नई ईमेल बनाई स्टार्ट विद अ टेम्पलेट, यहां से नेक्स्ट, बहुत स्लो इंटरनेट आज। यहां से क्या करेगा, जब ऑटोमेशन में ना एक ईमेल के बाद फिर दूसरी उसी को ट्रेल कर देगा वो। ओके ओके, हाँ एक की ट्रेल में दूसरी ईमेल बना देता है। और एक मिनट, यहां से तो नहीं देगा, यहां से तो वो सिंगल ही देगा। ऑटोमेशन वाली जगह से बड़ा मुश्किल है लो इंटरनेट के साथ। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन में यहां क्रिएट ऑटोमेशन सीरीज। अब ऑटोमेशन सीरीज के लिए कौन सी लिस्ट लेनी है आपको, तो माय टेस्ट कॉन्टैक्ट ले लिया। अब यहां देखेंगे आपने ये पहली ईमेल के लिए एडिट ट्रिगर, एडिट ट्रिगर माई टेस्ट कॉन्टैक्ट हो गए। फिर यहाँ दूसरी ईमेल, ये पहली ईमेल आप लिख देंगे आप हाय हेलो एंड ये सेव हो गया। बैक टू ऑटोमेशन, मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करता हूं, ये शायद इससे तो अच्छा चलेगा कम से कम। अपना ये कोर्स कब होगा सर, ये वेबसाइट बनाने का? वेबसाइट एक तो चल रहा है सर, और दूसरा प्रेस पे, हाँ दूसरे की डेट मैं आपको बताता हूँ अभी। वेबसाइट पे डेट आ गई है उसकी, दूसरे वाले की शायद जनवरी में है, दिसंबर में तो नहीं है। हाँ ओके, हाँ हाँ देखो ये अब मेरा ये B1 मार्केटिंग में आ जाता है ना वो। हाँ हाँ, तो यहाँ देखेंगे ये एक ईमेल ऊपर क्रिएट हो गई, फिर यहाँ से करेक्ट दूसरी ईमेल यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। सर हाई हाई नंबर टू लिखो उसमें, आप तो पता चलेगा किस है कि नहीं। हाई नंबर टू सेव किया, और ये सब आप स्केड्यूल कर सकते हो ना, ये हाँ ये सब जो भी आप डेट टाइम डालना चाहते हो। बिल्कुल ये शेड्यूल कर सकते ऐसे कर, लवली के आगे एक के बाद एक, बहुत एक एक के बाद एक आप इसको ऑटोमेट कर सकते हो। और ये इसकी पूरी ऑटोमेशन का एनालिसिस, कितनों को गई और कितना डिले कितना देना है इसको, 24 आवर्स मैंने इसमें दिया हुआ है, आप डिले बता सकते हो। ओपन कितनों ने की है, अनसब्सक्राइब उस पर कितनों ने किया, क्लिक कितनों ने किया, बाउंस कितनी हुई है, एनालिटिक्स भी देगा आपको।
अच्छा, और ये आप उसमें भी कर सकते हो, अगर मैंने ये लॉजिस्टिक्स का रिमूवल का पैकिंग पैकिंग रिमूवल का अगर जब मैं कैंपेन करता हूँ तो मेरे को चाहिए कि कस्टमर 3-4 ईमेल के बाद एटलीस्ट एक बार तो सब्सक्राइब करे, तो उसको मैं 3-4 एक एडुकेशन ईमेल, एक इंफॉर्मेशन ईमेल, एक ऐसे ऐसे से 3-4 ईमेल करता हूँ, तो ये वो भी कर सकते हो आप ऑटोमेट, हाँ ऐसे जो आपने पहले ऑप्शन बताया था मेल चिम में कि करेक्ट करेक्ट ओह वेरी गुड वेरी गुड सर। इसमें और एक लिखा हुआ है ऐड योर ब्लॉग पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल गेट 200 एक्स्ट्रा कॉन्टेक्ट, व्हाट इज दिस? कहाँ लिखा है सर? या अभी मैंने सेंड बॉक्स में गया ना, चेक लिस्ट में गया था, हाँ हाँ लॉगिन करने के बाद आया है। हाँ तो सेंड फॉक्स में क्या होगा कि अगर आपने सेंड फॉक्स की मार्केटिंग, यानी इसका नीचे एक ब्रांडिंग आता है, वो ब्रांडिंग आप अगर अपने सारे पेजेज पे भेजोगे लोगों को, आपके जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, अगर उनको आप इसको प्रमोट करोगे सेंड फॉक्स को, तो ये आपको 1500 कॉन्टैक्ट फालतू और रखने की परमिशन देगा। अभी 10,000 तो ये दे ही रहा है, तो ये क्या करेगा 11,000 दे देगा आपको, मतलब 1,000-2,000 और दे देगा, ऐसे के बोनस देता रहता है आपको, तो वो और पॉसिबिलिटी है इसमें। ये प्रमोट कर रहे हैं अभी, फिर ये महंगा करेंगे, तो लेना है तो लाइफ टाइम वाला एक लेके छोड़ देना, छोटा सा अमाउंट है और ये काम बढ़िया करता रहता है। तो ये हमारा ईमेल का कैंपेन था। अब इस पर ईमेल पर लैंडिंग पेज पर ऑटोमेटिक ये ऑटोमेट हो जाती है, मैं इसे अब बंद करता हूँ, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ। थैंक यू सर, ओके भाई, सो मच, वेलकम जी। अब हमने कल वाले लेसन में किया था, कल वाले लेसन में ये किया था कि हमने पिछली बार जो एक्सरसाइज की उसको हम रिपीट करें नेक्स्ट 2 डेज तक, और उसके बाद हम जो लीड हमारे पास आई, जैसे मैंने क्या किया आपके साथ साथ मैंने भी कैंपेन रन की, तो मैंने कैंपेन रन की तो मेरे को एक ही दिन में 28-29 लीड्स जनरेट हुई इसी कैंपेन से। तो जब मुझे 28-29 लीड जनरेट हुई, उसको फिर मैंने रिपीट किया, तो डेली मुझे उसमें लीड मिल रही हैं। तो ये कैंपेन जो 15 दिन की इस कोर्स में है, ये कैंपेन क्या करती है, ये गारंटी करती है आपको कि कम से कम 10 लीड तो आपको रोज जनरेट होंगी, और अगर ये 10 लीड वाला प्रोसेस 15 दिन के लिए भी हमने कर लिया, तो इस कैपेसिटी, उसके बाद इस कैपेसिटी को एनहेंस कर दो। और छोटी सी एक्सरसाइज है, सुबह मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा लगता है, एक मैन आवर लगता है उसमें, जो भी आदमी जिसको भी आप असाइन कर रहे हो, अभी आप खुद कर सकते हो, फिर ये किसी और को असाइन कर दो। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज अगर डेली होगी तो डेली आपकी कम्युनिटी डेवलप होती जाएगी और लीड्स आपके जनरेट होते जाएंगे। तो उसमें क्या करना था कि हमने जो जो काम सेकेंड डे को किया वो हम थर्ड डे भी करेंगे, जो लीड आई उनको क्वालिफाई करेंगे, क्या वो बेटर लीड है, ठीक लीड है। ठीक लीड का मतलब है जो लोग आए थे 28-29 लोग, हमने उसको कॉल उनको कॉल कराया, उसमें से आधे लोग ऐसे थे जो वास्तव में इंटरेस्टेड थे, आधे लोग ऐसे थे बस जी हमारे पास तो आया, हमें लगा कि कोई वैल्यू आएगी अच्छी, करना तो नहीं था कोर्स, पर हमने उसको क्लिक कर दिया और मेंबर बन गए। तो मैंने लीड क्वालिफाई करा ली कि 15 लीड है, वो 15 लीड पे हमें काम करना है, बाकी 15 लीड को हमने पेंडिंग रखा, उनको मेंबर रहने दिया, उनकी लीड्स को रहने दिया, बट क्वालिफाई करके अब हम अपना टाइम ऑफ एनर्जी नर्चरिंग में 15 लोगों पर लगाने वाले हैं। तो वो हमने क्वालिफाई कर लिया ताकि हमारी वेस्ट ना हो टाइम और एनर्जी। उसके बाद एक्सरसाइज क्या की हमने कि अब सेकेंड डे को हमने सिर्फ एक पोस्ट डाली थी व्हाट्सएप पर थर्ड डे को हमने क्या किया, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप भी बनाया, एक आवाज आ रही है अभी? हाँ आ रही है, अभी आ रही है। हाँ थोड़ा सा क्रैक हुआ था पर आ गया। मैं इसका वीडियो बंद कर देता हूँ तो आपको और ज्यादा आएगा। तो क्या हुआ, अब हमने थर्ड डे को एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जिसमें हमारे पास और कुछ जो कॉन्टेक्ट्स थे उन कॉन्टेक्ट्स को एक ग्रुप फॉर्म कर दिया। अब ग्रुप फॉर्म किया तो फिर उसमें कैंपेन चलानी शुरू की, प्लस हमने 5 ग्रुप बाहर से ज्वाइन किए। अब ये 5 ग्रुप दूसरे कहाँ से ज्वाइन करेंगे,
वो मैंने कल वाले वीडियो लेसन में सिखाया था, और सेम काम टेलीग्राम में किया, तो मैं ये कहां से करके दिखाऊं आपको अभी। इंटरनेट पे गए और यहां जाने के बाद अब मैंने क्या किया, लॉजिस्टिक्स ओमान या दुबई व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स, दुबई व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स आ गया, दुबई व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स लेटेस्ट 78 इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स दुबई, और जॉइन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स 2020 लेटेस्ट इंटरनेशनल इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट गुरप्रीत बॉबी व्हाट्सएप ग्रुप ओनली ड्राइव बीरा द ग्रुप, लॉजिस्टिक कंपनी इन यूएई ग्रुप लिंक नहीं है, तो यूएई में लॉजिस्टिक का कोई ग्रुप लिंक नहीं है, मैं ट्रांसपोर्ट का देखता हूँ या पैकर एंड मूवर का देखते हैं, पैकर एंड मूवर ग्रुप्स इन दुबई व्हाट्सएप ग्रुप लिंक कॉस्ट इफेक्टिव रिलोकेशन मूवर इन दिल्ली, कुछ एड्स से लगता है। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक अलग से दिखाई दे जाएगा अगर होगा तो, न्यू दुबई व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स, तो दुबई के व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स पर्टिकुलर उसके नाम से नहीं है, बट दुबई में बहुत सारे ग्रुप लिंक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये देखिए, ये नीचे इतने सारे ग्रुप लिंक हैं, दुबई वीजा यूएई लिस्ट जॉब्स इन दुबई बहुत सारे हैं, और एक लिस्ट है ये कार्ड्स व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये लिंक मैंने ओपन किया, अब ये आपको कीवर्ड पर डिपेंड करता है कि अगर आपका कीवर्ड सटीक गया तो आपको कुछ लिस्ट आ जाएगी। मुझे लगता है सर जी, हाँ करेक्ट, हेलो, हाँ ओके, नहीं नहीं आपका आपका आवाज चला गया था। हाँ, हाँ मैंने नेटवर्क स्विच किया है, तो यहाँ ज्वाइन चैट करोगे, ये हम बाहर से उनके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं क्या सर? हाँ ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल ऐड हो सकते हैं, अगर वाह फैंटास्टिक है ये, हाँ ग्रुप अगर ओपन पड़ा है तो जरूर ऐड हो सकते हैं। हाँ वो है, ओपन होना चाहिए या तो उनके एडमिन ने आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ एडमिन ओपन तो पड़ा हो, हाँ एडमिन एक्सेप्ट करना चाहिए, ओपन पड़ा और जगह खाली हो। हाँ वो भी है, यहाँ आपको ये आप टेलीग्राम में भी कर सकते हैं ना सर, टेलीग्राम या निकाल सकते हो टेलीग्राम में, मैंने कल ही ज्वाइन किया है, ऐसे कई ग्रुप मैंने ज्वाइन किए। अच्छा हाँ, और आप ये बिटली का लिंक डाल देते हो उसमें बस? हाँ बिटली का लिंक डाल देते हैं, जैसे मैं कुछ और ग्रुप इसमें इंडिया में मैंने कर, बट मेरे के बिटली का भी थंबनेल नहीं होता ना? हाँ इमेज करके थंबनेल करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप्स इन इंडिया, ऐसे करके मैंने डाला, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स लिखना पड़ेगा, तो ये देखिए आपको यहाँ 250 एक्टिव ग्रुप ये मिल गए, और ऐसे बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी नीचे, देखिए ग्रुप लिंक है दुनिया भर के। अरे बाप रे,
अब इसमें थोड़ी देर मेहनत करनी पड़ती है, आधे तो खाली मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो भर चुके होते हैं। अच्छा हाँ, बट आप ये जो नंबर से ज्वाइन करते हो, ये आपका ये बिजनेस नंबर है ना व्हाट्सएप का? हाँ, मैंने बिजनेस नंबर से ज्वाइन करता हूँ। अच्छा ये बहुत सारे नंबर है, अब ये बहुत सारे ग्रुप है, इनको बस देखना पड़ता है कौन सा ओपन है और उसमें आप ज्वाइन कर जाओगे। और उसमें अगर बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता तो ये पता चलता है उस क्यूरोसिटी के लोग या उस कम्युनिटी के लोग, या तो उस कम्युनिटी के होंगे या उस क्यूरोसिटी के होंगे। अब इसमें होता क्या है प्रैक्टिकली कि मान लिया आज आप ढूंढ रहे हो लॉजिस्टिक का कोई ग्रुप, आपने ज्वाइन कर लिया, आपका पर्पज है वहां से या तो बिजनेस लेना या बिजनेस देना, ऐसे ही आप हाँ के लोग और भी ढूंढ रहे होंगे। तो जिसने ये ग्रुप बनाया है उसने ये ग्रुप बना के रख दिया और जितने भी इच्छुक लोग होते हैं वो जाके उसमें मेंबर बन जाते हैं। अब मेंबर बन गए और उसका ग्रुप बन गया, वो क्या करेगा बाद में, इसी ग्रुप को हो सकता है सेल भी कर दे, एक चांस एक अच्छा होती है, हाँ सेल भी कर दे। बट आपका बेनिफिट यहाँ ये होगा कि एक टेंडेंसी के लोग आपको मिल सकते हैं वहां से, क्योंकि या तो वो बिजनेस लॉजिस्टिक में बिजनेस ढूंढ रहे थे या बिजनेस कर रहे थे, तो ऐसे लोग आपको वहां मिल जाते हैं। तो कंपटीशन मिल जाएगा आपको फिर आपके कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ वहां से मिलेगा। तो क्योंकि अब यहाँ प्रैक्टिकल ये है कि अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप है अपना जो आपने क्यूरेट किया, तो आप उसको ऑनलाइन नहीं करने वाले, आप अपनी हाँ हुई चीज को ऑनलाइन नहीं करोगे, क्योंकि आपको लोगों की प्राइवेसी का ख्याल है। तो जिन्होंने वो बनाया है और जिन्होंने ऑनलाइन किया है वो कहीं ना कहीं उनका कमर्शियल एस्पेक्ट होता है, पर फिर भी आपको वहां से कम्युनिटी मिलेगी। तो ऐसे करके आप 5-1 ग्रुप ज्वाइन करें, आप देखें उससे आपको कुछ वैल्यू आती है, वेल एंड गुड, ठीक है। उसमें जो 250-250 लोग हैं, यानी किसी में 200 होंगे किसी में 150 होंगे, 1,000 लोगों में आपकी पोस्ट जा रही है। अगर आपको ओपन ग्रुप मिल गया तो 1,000 लोगों में आपने करना क्या, एक ग्रुप में एक ऐड डाला अपना तो 250 लोगों को आपका कम्युनिकेशन जा रहा है। तो ये एक बड़ा फायदा है। सेम वे टेलीग्राम ग्रुप लिंक, तो जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग टेलीग्राम ग्रुप लिंक ऐसे करके डाला, तो ये देखिए 800 प्लस टेलीग्राम ग्रुप लिंक है डिजिटल मार्केटिंग पे, और दुनिया भर के ये, और एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक में 2 लाख लोग तक हो सकते हैं। हाँ करेक्ट बोल रहा था मैं, बिकॉज टेलीग्राम में अनलिमिटेड है टेलीग्राम में, तो यहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग एजेंसी, एलआईएस डीम, वीके शर्मा मार्केटिंग, एक्सपोर्ट्स क्लब, ठीक है। लॉजिस्टिक का होगा तो यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से आपको अवंडेंस मिल सकता है। ऐसे करके टेलीग्राम के ग्रुप लिंक ज्वाइन कर लेने हैं हमें, और सेम वे हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे। यानी फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप आप सर्च कर सकते हैं, हाँ हाँ मेंबरशिप सीख करेंगे आप, तो यहाँ ग्रुप सर्च करेंगे फेसबुक पे आप, ये ग्रुप्स हैं मेरे पास, मैं जितने ग्रुप्स में मेंबर हूँ वो मुझे यहाँ दिखाई देगा, और यहाँ बट आप जब ज्वाइन करते हो ग्रुप्स में फेसबुक में, तो ये आप पर्सनल ग्रुप से ज्वाइन कर रहे हो, पर्सनल नाम से जा रहे हो आप, लोकमान जी के नाम से? हाँ, मैं अभी तो मैं आपको जो मेरा पेज ओपन है, मैं मेरे पास हाँ हाँ समझ में, बिजनेस पेज है, आप उससे सर्च करो तो आप बिजनेस पेज से जा सकते हो। हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ सेम वे इंस्टाग्राम पे आप अपने ग्रुप सर्च कर लो, जो भी सिमिलर ग्रुप चाहिए आपको, लिंक्डइन पे करो, तो लिंक्डइन पे, इंस्टा में और फेसबुक पे, तीनों में आपको ग्रुप मिल जाएंगे, और वहाँ बहुत लोग होते हैं एक एक ग्रुप में। होता क्या है, अब आप 10 ग्रुप्स को रिक्वेस्ट करोगे तो एक में अलाउ करेगा कोई आपको, हाँ वो सारे ग्रुप्स अलाउ नहीं करते, वो कुछ क्वेश्चनेयर रखते हैं, वहाँ आपको बात अपने आंसर देना होता है, और जो लोग आपको अलाउ कर देते हैं फिर आप उनको उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए आप परमिशन लेके एडमिन से और उसमें पोस्ट करना शुरू कर दें। एक एक ग्रुप में कई कई 1,000 लोग हैं, तो ऐसे पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है और लोग उसमें से निकल के आने लगते हैं। ये एक्सरसाइज रोज की है,
रोज एक दो ग्रुप के लिए डाला, इंस्टा पे गए 5 मिनट लगाए, फेसबुक पे गए 5 मिनट लगाए, लिंक्डइन पे गए 5 मिनट लगाए, और अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप मेजर चैनल हैं ये 5, और इन 5ों चैनल पे आपने काम किया। ऐसे करके हम ये कैंपेन को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो आज का हमारा लोकपाल सर जी सत्या, उसमें कुछ ऐड करूं सर मैं? अरे जरूर, स्वागत है। ये मेरा क्लास मेमोरी का चल रहा था सर, खत्म करके आया हूँ। चलो ग्रेट, थैंक यू। मेमोरी में साइंटिफिक रिवीजन का चल रहा था, तो जैसे साइंटिफिक रिवीजन काम करता है कि आप पर्टिकुलर टाइम पे रिवायर करते हैं, वैसे ही जब इन फ्री पोर्टल पे आप मार्केटिंग कर रहे हो फेसबुक ग्रुप लेके, फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन करना है, ज्वाइन क्लोज प्राइवेट ग्रुप, पब्लिक ग्रुप को कीजिए। पब्लिक ग्रुप में क्या होता है, लोग कचरा डालते रहते हैं, लोग कोई देखते नहीं। शकल भी चाहिए आपको। हाँ, पब्लिक ग्रुप में क्या होता है, लोग इतना देखते नहीं है। प्राइवेट ग्रुप में कई बार उस पर्टिकुलर टॉपिक के होता है ग्रुप, तो मेक श्योर कभी भी ज्वाइन करें तो आप पब्लिक ग्रुप कम ज्वाइन करें, प्राइवेट ज्यादा ज्वाइन करें। सेकंड, कम से कम आपके पास 10 तरीके के ऐड होने चाहिए इन ग्रुप में डालने के लिए। होता क्या है, लोग ग्रुप में ज्वाइन करते हो, अपनी कंपनी का ऐड डालते हैं, सर कोई पसंद ही नहीं करता ऐड। आप किसी ग्रुप पे हो, अगर आप किसी ग्रुप में कुछ वैल्यू ऐड करोगे तो एडमिन चाहेगा क्या प्रमोट करो, प्लीज डालो। आप समझिएगा चीज को, लोग करते हैं सर हमारे एंगेजमेंट डेवलप होती, कम्युनिटी बिल्डअप होती, कम्युनिटी बिल्ड जब तक नहीं, जब हर बार आप बेचोगे, जब आप देने की मुद्रा में होते हैं जनता आपके पास आती है, जितना आप दोगे जनता आपके पास आएगी, जैसे आप करना चालू करोगे जनता पीछे जाएगी। तो मेक आपके पास कम से कम 10 वीडियो ऐड हो आपके, जो आपके टॉपिक को या आपके प्रोडक्ट को इनडायरेक्टली हाईलाइट करते हो विदाउट मेंशनिंग अबाउट द सेल। समझिएगा, बिना कुछ बेचे ही आपको इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हैं। जैसा अगर मैं एक वीडियो बनाऊं, भाई अपना ऑनलाइन बिजनेस बनाना कैसे है, मैंने 2-3 पॉइंट बता दिए बढ़िया से, ये पॉइंट करना है और इसके आप कर सकते हो, ये एक छोटी सी ई बुक और साथ में दे रहा हूँ मैं आपको, इस नंबर पे जाओ व्हाट्सअप करो, फ्री में ईबुक मिल जाएगी आपको। जैसे हाई लेके बजेगा ऑटोमेशन आपने लगा रखी, व्हाट्सअप की फ्री में चली जाएगी उसके पास। इस तरीके से करो तभी जाके आप ऑडियंस बिल्डअप कर सकते हो, नहीं तो बिल्डअप नहीं होती। सेकेंडली, इन सब ग्रुप में, बड़े ग्रुप हो गए, पब्लिक ग्रुप या प्राइवेट ग्रुप, कहीं ना कहीं लोग यहाँ पैसे लेने वाले ही बैठे होते हैं, जिसके पास जनता है, 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर है, फॉलोअर्स है, तो पर पोस्ट के कई लोग पैसे मांगते हैं इनडायरेक्टली, तो वहां पैसे आप दे सकते हो, पर देखना आपका आरओआई कितना आ रहा है। ये भी चीज का आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आरओआई कहां से आ रहा है। तो इन चीजों का प्लीज ध्यान रखें बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग इन इन द मेंशन ग्रुप, वेदर ऑन व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम, मेक श्योर यू मस्ट हैव समथिंग इन फॉर्म ऑफ वीडियो, इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ, बेटर इन फॉर्म वीडियो। वीडियो लोग चल देखना पसंद करते हैं, जब तक आपके कोर्स कंटेंट के, आपके प्रोडक्ट के, जहां आप इनडायरेक्टली कहीं कुछ आप नॉलेज दे रहे हो, तब तक ऑडियंस को बिल्डअप करना आसान, बड़ा टफ है बिल्डअप करना। तो ये चीज जब तक आप ये मेथड के साथ आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक यहाँ ऐड डालने का मेरे हिसाब से कोई आपको फ्रूटफुल रिजल्ट शॉर्ट टर्म में नहीं मिल पाएगा। मिलेगा फ्रूटफुल रिजल्ट लॉन्ग टर्म में, बट उसके लिए आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। मैं अपना बताता हूँ, मैंने एक साइंटिफिक रिवीजन का वीडियो बनाया था और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, मैंने कुछ बेचे, किसी व्यक्ति ने वो वीडियो देखा और मुझे कॉन्टेक्ट किया, वो दिशा टीवी की एंकर थी मैडम, कह रहे सत्या मुझे ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, क्या पूरी सीरीज करोगे मेरे साथ? मैंने कहा ठीक है, क्या मैं कहा 12 एपिसोड में कवर कर पाऊंगा पूरा मेमोरी ट्रेनिंग? फिर कहते हैं सर पर एपिसोड के 12,000 चार्ज करते हैं। मैंने कहा पर एपिसोड के 12,000 रुपए? तो जस्ट बता रहा हूँ कि एक वीडियो से अगर कोई एंकर आपसे कॉन्टेक्ट कर रहा है, सीईओ कंटेंट, सीईओ डिलीवरी, आप समझ सकते हैं कितना इम्पैक्टफुल वीडियो का कंटेंट होता है। सही, हाँ। तो मैंने कुछ भेजा भी और मुझे पता भी दिया कि मैं मेमोरी एक्सपर्ट, ठीक है। अब भले भाई अपन ने ठीक है मतलब स्कूल ही छोड़ दिया, ठीक है, तो मेक श्योर जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। तो मेक श्योर जितना बढ़िया वीडियो बनाओगे उस पे स्क्रीन बिल्ड करके भेजोगे सिस्टम में, तभी आपके ऑडियंस बिल्डअप होगी, नहीं तो ऑडियंस बिल्डअप नहीं होगी, बड़ा डिफिकल्ट ऑडियंस बिल्डअप करना।
सही है हाँ, एक्चुअली आप कंट्रीब्यूट करते हो सोसाइटी में तो वो आपको कोई ना कोई आता है, अगर आप सीधा बेचोगे तो थोड़ा मुश्किल है। सर इतना बताना चाहता था बड़े भैया, थैंक यू सत्या, थैंक्स अ लॉट। ऐसे करके अब हम इन पांच चैनल्स पे अपनी प्रेजेंस को धीरे धीरे बढ़ाएं, और ये जो रोज एड पोस्ट करनी है रोज एड पोस्ट को बढ़ाते जाए। एक तो आपके व्हाट्सएप के नंबर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उसका बिहेवियर जनरेट होगा, टेलीग्राम का बिहेवियर जनरेट होगा, फेसबुक का आपका फेसबुक पे तो आप ऑर्गेनिक डाल रहे हो अभी, पेड नहीं कर रहे हम, इंस्टा पे भी ऑर्गेनिक डाल रहे हैं, लिंक्डइन पे भी ऑर्गेनिक डाल रहे हैं, और लोगों में धीरे धीरे उसकी रीच बढ़ेगी। बट आपके पास जो लीड्स जनरेट होंगी वो उस लिंक से होंगी जो अपने एड में रख के भेज रहे हो, और इन सारे चैनल्स पे वो एड चल रही है। इस एड को रोज चलाओ, उसकी इमेज चेंज कर सकते हो आप, थोड़ा सा डेटा थोड़ा चेंज करके उसमें CTA लगा लगा के रोज भेजना है, थोड़ा सा 10% कोई चेंज किया और भेज दिया। ऐसे करके आज हम इन सारे चैनल्स पे एक बार फिर कल अपनी एड चलाएंगे, तो आप तो क्योंकि दुबई शिफ्ट हो रहे हो तो आप नहीं चला पाओगे। संतोष जी आप अपनी एड को इसको दमदारी से चलाओ सर। तो ये सर मेरे को एक कैंपेन जी मेरे को एक कैंपेन करना है, मेरा फेसबुक में और वेबसाइट प्रॉपर है जो डिवाइन गैलरी करके है, ये रिलीजियस गिफ्ट वगैरह हम बेचते हैं ऑनलाइन, उसकी कैंपेन में ट्राई करूंगा ये जो अपनी असाइनमेंट के साथ। मेरे को एक पूछना था, फेसबुक पेज को अगर यू नो मेरे को मेल चिप में एड बना के या सैंडबॉक्स में बना के ये मेरे को फेसबुक में रीडायरेक्ट करना है या मेरे वेबसाइट को रीडायरेक्ट करना है, तो वो कैंपेन चल सकता है क्या फेसबुक पेज पे? नहीं, हम लोगों का पेज है सर, आपने लैंडिंग पेज बनाया, लैंडिंग पेज के नीचे देखिए फेसबुक ग्रुप का लिंक, यूट्यूब ग्रुप का लिंक मेंशन होता है। हाँ करेक्ट, वहाँ आप फेसबुक का लिंक दे दीजिए, वहीं आप यूट्यूब का लिंक दे दीजिए। अच्छा वैसा नहीं, मैं मेरे को एक्चुअली लैंडिंग पेज को कस्टमर को डायरेक्ट करके लैंडिंग पेज को फेसबुक के पेज पे डायरेक्ट करना है या तो मेरे वेबसाइट पे डायरेक्ट करना है? देखिए सबसे बढ़िया कि लैंडिंग पेज में आप डायरेक्ट तो लोगों को करोगे सर, ठीक है, लैंडिंग पेज का पहला ऑब्जेक्टिव है कस्टमर का डेटाबेस लेना सर। एक बार डेटाबेस आपने ले लिया, आप SMS कीजिए, उसको ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, वो पार्टिकुलर कंटेंट वीडियो फॉर्मेट में दीजिए, तभी वो डायरेक्ट करेगा, नहीं तो लोग जुड़ते नहीं जल्दी। नहीं, उनका उनका क्वेश्चन ये सत्या, वो कहते हैं कि लैंडिंग पेज मैंने रन कर दिया, एड मैंने रख दी, तो एड अगर लैंडिंग पेज पे कोई आदमी आया तो वहां से वो वेबसाइट पे डायरेक्ट हो जाए, ये कहना चाहते हो? आवाज नहीं आ रही। यस सर, मेरा ये वेबसाइट है, उसको मेरे को ज्यादा ट्रैफिक आ नहीं रहा है आज, बिकॉज हम लोगों ने मार्केटिंग इसलिए नहीं किया था, बिकॉज हम लोगों का एक ड्रॉप शिप स्टोर है जो चाइना से शिप होता है प्रोडक्ट, चाइना में लॉकडाउन था उसलिए हम लोग ने ज्यादा उसको प्रमोट नहीं किया। अभी हम लोग सोच रहे हैं इसको प्रमोट करने, ये वेबसाइट को डिवाइन गैलरी करके, तो मैं सोच रहा हूँ ये लैंडिंग पेज के जब मैं भेजूंगा डिवाइन गैलरी का, आई वॉन्ट पब्लिक डेटा भी डाले और लैंडिंग पेज अपना मेरा जो मेन वेबसाइट है उस पर भी चले जाए। तो फिर एक काम करो, आप लैंडिंग पेज अपनी वेबसाइट पे एक पेज बना दो, वेबसाइट आपकी ईमेल भेजने के लिए कैपेबल है क्या? नहीं है अभी फिलहाल तो नहीं है, ऑटोमेशन के लिए कैपेबल नहीं है। तो फिर एक काम हो सकता है सर, हो जाती है लोकमान सर, हाँ आती है, डायरेक्ट हो जाता है उससे सर। कैसे सत्या? जो हम लैंडिंग पे जो एड रन चलाते हैं फेसबुक पे, तो कई फेसबुक में वो रीडायरेक्ट करता है, तो ऑडियंस बिल्डर वाला जो एड होता है वो रीडायरेक्ट करता है आपके आपके पार्टिकुलर पोर्टल पे, वहां कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट। नहीं, बट आप ऑर्गेनिक एड चलाओगे ना लैंडिंग पेज की, तो लैंडिंग पेज जब आप ऑर्गेनिक एड डाल रहे हो फेसबुक पर और उसमें आपने लैंडिंग पेज का लिंक डाला, तो वहां से वो लैंडिंग पेज पे लैंड करा रहा है विजिटर को। अब लैंडिंग पेज पर अगर आपने आपने अपने वेबसाइट का लिंक रखा तो ऑप्शनल मामला होगा कि अगर कोई क्लिक करता है तो जाएगा। उनका उनका कहना यह है कि जैसे ही किसी ने सबमिट किया अपनी ईमेल आईडी, सबमिट करते ही ऑटोमेटिकली ही शुड गो टू द
वेबसाइट यही बोल रहे सर क्या ऑटो करेगा सर, हम देख के बताते हैं, होता है वैसे, मेरे कई ऐड देखे, हम बताएंगे आपको सर। सर और एक सवाल था, सेंट बॉक्स में हमने फ्री प्लान और लाइफ टाइम प्लान जो आपने बताया उसमें डबल ऑप्शन इन रिक्वायर ऐसा बताया और एम्पायर में ऑप्शनल रखा हुआ है, उसका मतलब क्या है? एक मिनट देखना पड़ेगा सर क्या पूछ रहा है वो आपको। मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे सर? नहीं नहीं प्लान में जाइए ना आप, मैं तो ऑलरेडी प्लान लिया हुआ है। हाँ प्लान लिया मैंने, बताइए। एम्पायर एड ऑन, हाँ लाइफ टाइम, तो इसमें सेंडिंग सर्वर नॉर्मल बेटर ऐसा लिखा हुआ है ना, हाँ इसके नीचे रिक्वायर किया है और फिर ऑप्शनल लिखा हुआ है। सेंडिंग सर्वर नॉर्मल डबल ऑप्टिन, हाँ पता नहीं डबल ऑप्टिन का नहीं पता क्या है ये। अच्छा और HTML एडिटर का ना मतलब क्या, नो लिखा है? HTML एडिटर दोनों में ही नहीं है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, आपको HTML एडिटिंग नहीं देगा, यानी जो जो बैक एंड प्रोग्रामिंग का ऑप्शन होता है कोडिंग का, वो ये आपको नहीं देता। उसकी जरूरत होती है क्या फिर? नहीं इसमें जरूरत होती नहीं है, बट एडवांस करने के लिए जरूरत होती है, बाकी एक दो प्लेटफॉर्म है जो देते हैं, यानी जो जिनकी लाखों ईमेल जाती है रोज की, वो क्या करते हैं अपने सिस्टम के साथ उसे प्रोग्रामिंग के लिए उस पर इंटरफेस क्रिएट कर देते हैं, वो इसमें नहीं है, आप इसमें नहीं कर सकते। और सैंडबॉक्स ब्रांडिंग का मतलब क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल और रिड्यूस? जब भी भेजोगे तो नीचे सैंडबॉक्स का नाम लग के जाएगा, उसका लोगो जाएगा। अच्छा और लाइफ टाइम प्लान में नहीं जाएगा? फ्री प्लान में जाएगा, लाइफ टाइम प्लान में छोटा जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा। हाँ एम्पायर वाले में नहीं जाएगा। ओके तो ये भी फ्री वाला पहले चला के देखना चाहिए। हाँ फ्री चला के देख सकते हो, 1,000 यहाँ से ले सकते हो, 2,000 या 1,000 कॉन्टेक्ट रखे जा सकते हैं। अच्छा ओके, और वहाँ आपके 2,000 रखे जा सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। ओके अभी ईमेल हो गया, अभी SMS कब होगा? SMS के बारे में वो मैं आपको अगले लेसन में बताऊंगा, ये वाली कैंपेन रन करो फिर SMS दिखाऊंगा। ओके ओके ठीक है जी, चल मैं आपको फोन करूंगा, आज भी वक्त नहीं मिला वो व्हाट्सएप के बारे में। कोई बात नहीं सर, ओके ओके गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, ओके गुड नाइट सर जी, गुड नाइट संतोष जी।